आईपीएल 2022 का समापन हो चुका है और इसी बीच आप सभी को बता दूं कि एक और नई टीम जो इसी साल जुड़ी थी वह खिताब जीतने में कामयाब रही है। गुजरात टाइटंस ने खिताब अपने नाम करा है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ में ये मैच कल फाइनल खेला जा रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि गुजरात टाइटंस ने जीत करके यह खिताब अपने नाम कर लिया है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 130 रन ही बना सकी और वहीं गुजरात टाइटंस ने आसानी से यह लक्ष्य भी हासिल कर लिया और मैच के जीत के हीरो रहे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 3 विकेट भी लिए हैं और रन भी बनाए हैं और इसी के चलते हुए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया और साथ ही अनेक प्रकार के उपहार भी भेंट किए गए हैं। हाल फिलहाल आईपीएल 2022 का सफर कैसा रहा है, सीधा रूबरू कराते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन में आईपीएल का खिताब जीत करके इतिहास रच दिया है। गुजरात ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया और राजस्थान की टीम टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर के 130 रन ही बना सकी है। जवाब में गुजरात ने 18.1 ओवर में 3 विकेट खोकर के खिताब अपने नाम कर लिया। शुभमन गिल ने छक्का जमा करके टीम को जीत भी दिलाई है। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या मैच के हीरो साबित हुए। उन्होंने 3 विकेट लेने के साथ साथ 34 रन भी बनाए हैं। हार्दिक 5वीं बार आईपीएल फाइनल खेलने उतरे थे और हर बार वो चैंपियन बने। इससे पहले 4 बार एक खिलाड़ी के रूप में वो मुंबई की चैंपियन टीम का हिस्सा भी रहे थे। गुजरात टाइटंस आईपीएल खिताब जीतने वाली अब तक की 7वीं टीम बन गई है और इससे पहले राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, डेक्कन चार्जर्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने एक बार खिताब जीता है। सिर्फ दूसरी बार किसी टीम ने अपने पहले सीजन में खिताब जीता है। इससे पहले यह कारनामा राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में किया था। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।